मित्रों नमस्कार। किसी मित्र ने आत्मबोध के बारे में प्रश्न पूछे हैं। आत्मबोध कैसे होता है, क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आत्मबोध, पहले तो इस शब्द में आप आए और आप सभी कुछ भूल जाएं, क्योंकि आत्मबोध से श्रेष्ठ और कुछ भी चीज नहीं। एक शब्द आत्मबोध, इसमें ही आप रहें, इस पे ही आप मनन करें और जो भी अध्यात्म के नाम से आपने सीख के रखे हैं वो सब बात आप भूल जाएं। जो भी ध्यान करते हैं या साक्षी या चैतन्य या ऑब्जर्वर, अब जब ऐसी कोई भी धारणा आपके मन में है तो उन सब धारणाओं को अभी हटा देना है। केवल एक ही शब्द के अंदर घुसना है, आत्मबोध क्या है और कैसे आत्मबोध होता है। तो आत्मबोध का अर्थ है आत्मा बोध, आत्मा का अर्थ होता है अपना, बोध का अर्थ होता है अनुभव। जहां अपना बोध हो जाता है हमको, उसी को कहते हैं कि आत्मबोध। मगर यहां पर आत्मा शब्द को अपना कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम तो दूसरे चीजों को भी अपना कहते हैं। हम जैसे किसी लोग को भी कहते हैं कि अपना है, किसी घर संपत्ति को भी कहते हैं कि ये अपना है, अपनी है। इसलिए यहाँ अपना शब्द भी दूसरों को इंकित करते हैं, इसलिए आत्म का अर्थ अपना भी नहीं हो गया। इसका अर्थ होगा खुद, खुद का। आत्मबोध का अर्थ होता है अब खुद का बोध है। तो खुद का बोध कहने के लिए आपको उसका बोध करना होगा जो आप हो, केवल आप हो और वहां कोई भी नहीं, और जो आप नहीं हो उसका बोध नहीं, आत्मा का बोध, यानी कि आपका खुद का बोध करना है और किसी चीज का बोध नहीं करना है। आपके अलावा जो भी इस संसार में है वो किसी का भी बोध नहीं करना है, केवल आत्म का ही, खुद का ही बोध करना है। तो इस बात को पहले समझ ले। आत्मबोध का अर्थ होगा कि आपका ही बोध और किसी दूसरे का बोध नहीं। तो इसलिए और दूसरे आपके अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सभी कुछ को छोड़ देना है, उसका बोध नहीं करना है। तो आप अकेला आप कौन हो तो उसका बोध करना है, तो ही आपको आत्मबोध हो सकता है। तो आप क्या हो पहले, ये खुद यानी क्या है, तो उसको जानना है ना। तो उसको समझने के लिए पहले आपको वहां तक तो पहुंचना होगा कि जहां पर आप हो है। तो आप जो हो, आपके सिवा और जो कुछ भी है संसार में, उस सब चीज को छोड़ के जो बचते हो आप, तो उस तक आना है ना पहले, उसको समझने के लिए। तो पहले तो वहां तक आना होगा, आपको लोकेट करना होगा। जैसे कोई कह रहा है आपको उस चीज को देखो, तो आपको उसी चीज को देखना होगा, आपकी दृष्टि वहां केंद्रित करनी होगी, इधर उधर दृष्टि लगानी नहीं होगी। इधर उधर दृष्टि लगाएंगे, इसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, तो उस चीज को आप देख नहीं पाएंगे। तो आपको एकाग्र होना होगा उस चीज पे। तो आप कौन हो फिर, किस पे आंख टिकाएं, आपके भीतर क्या है वो चीज, और इसको समझने के लिए आपको दृश्य और दर्शक, इसका भेद समझना होगा, और दृष्टा का भी है। जो भी दृश्य होगा वो आप नहीं होगी, क्योंकि आप तो उसका दर्शक हो ना। जैसे आप बाहर जो भी चीज देखते हो वो कोई भी चीज आप हो नहीं सकते, क्योंकि वो चीज तो आप देखते हो, तो आप तो देखने वाले हो गए। इसलिए अगर कोई कहता है आपको कि आप उसको जानो जो दर्शक है, तो फिर आपकी आंख से जो भी दिखाई पड़ेगा उसको जानना नहीं होगा, उसकी बात यहां नहीं की होगी है। तो आप कौन हो, जो भी दृश्य है वो दृश्य आप नहीं हो, और इसको हम और भी लोकेट करेंगे और आपके नजदीक तक आएंगे कि आप कौन हो, वहां तक हमको आना होगा। तो
तो ही हम उसको उसका बोध उसका रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बाहर के दृश्य को देखें आप, जो भी बाहर का दृश्य है वो दृश्य आप नहीं है, क्योंकि उसको आप देखते हो तो आप अलग हो गए। तो फिर आपको जानना है ना, दृश्य को तो नहीं जानना है। तो आप पहले अपने से अलग जो भी चीज है उस सब चीज को आप अलग कर दो, उसको जानना नहीं है। तो सबसे पहले आप बाहर की सभी चीजों को छोड़ दो, जो भी आपकी आंख से दिखाई पड़ती है, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, कुछ भी हो, आपका संबंधी हो, आपका मित्र हो, आपका गुरु हो, आपका भगवान हो, अगर आंख से बाहर भगवान दिखाई पड़ता है तो वो भी आप नहीं हो, क्योंकि आप तो उस भगवान को देखने वाले हो गए। तो यहाँ भगवान को जानना नहीं, भगवान का बोध करना नहीं, आपका बोध करना है ना, आत्मबोध। तो बाहर पहले सभी कुछों को कुछ को आप छोड़ दें और अपने भीतर आ जाएं। और ये बाहर भी दो किस्म के बाहर हैं, एक तो बाहर होगा जो हमारी आंख से हम देखते हैं जो कुछ भी, वो बाहर है, और दूसरा बाहर है हमारे भीतर का बाहर, है ना। हम अपने शरीर को और अपने शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं उसको भीतर कहते हैं, है ना। इसको भीतर कहने से हमको ये भ्रम हो जाता है कि शरीर के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं ये मैं हूं, ये भीतर की चीजें है ना, तो मैं भी कहीं भी भीतर हूं तो ये चीजें ही मैं हूं, हमको ये लगता है, ये भ्रम है। क्योंकि बाहर का अर्थ है आपसे बाहर, आपके शरीर के भीतर होने से कोई चीज आपके भीतर नहीं हो जाती है ना। ये ऐसी चीज है जैसे आप आंख से बाहर जो भी कुछ चीजें देख रहे हो वो सब कुछ बाहर है, और एक कमरे के अंदर कोई चीज है तो आप उसको कहेंगे भीतर की चीज है, मगर कमरे के अंदर जो चीज है वो भी बाहर की ही चीज है। उस चीज को आप बाहर रख सकते हो, वो बाहर दिखाई पड़ेगी, और भीतर होगी तो भी आपसे वो बाहर ही होगी ना, वो किसी रूम के अंदर होगी मगर आपके लिए तो वो बाहर की ही चीज होगी। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर, आपका शरीर एक रूम है, तो आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो सभी कुछ क्या हो गया, अब वो भी बाहर हो गया। और शरीर की भी दो भाग है, एक बाहर से दिखाई पड़ने वाला भाग है, एक बाहर से दिखाई न पड़ने वाला भाग है। तो शरीर बाहर की चीज है, शरीर ऐसे ही एक बाहर की चीज है जैसे एक पेड़ बाहर का चीज है, जैसे किसी दूसरे का शरीर बाहर का है, ऐसे ही आपसे आपका शरीर भी बाहर की ही चीज है। इस बात को अच्छे से समझ लो तो ही आप आत्म तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो शरीर में ही आप अटक जाएंगे। जब भी आत्म खोज की बात होगी, आत्म बोध की बात होगी, तो आप अपने शरीर में ही अटक जाएंगे और आपको लगने लगा कि ये शरीर ही मैं हूं, यही आत्मा है, ऐसा भ्रम आपको लग जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना है, ये शरीर बाहर से दिखाई पड़ता है, तो शरीर का जो बाहर का रूप है वो तो बाहर का है ही, क्योंकि आप इसको देख पाते हो, आप अपने हाथ को देख पाते हो, तो इसका अर्थ क्या है, हाथ भी दृश्य हो गया, जैसे बाहर की चीज दृश्य है। तो आप हाथ को देख सकते हो, पैर को देख सकते हो, अपने शरीर को बाहर से देख सकते हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर भी दिखाई पड़ने वाला चीज है। इस बात को नोटिस करें, शरीर भी क्या है, दिखाई पड़ने वाला चीज है। ये आपको भी दिखाई पड़ता है और दूसरे को भी दिखाई पड़ता है। अब आपकी आंख अपने को देख नहीं पाती, दूसरे को देखती है और अपने पीछे को भी देख नहीं पाती, इसलिए आप अपने पूरे शरीर को देख नहीं पाते, और आपके शरीर के अंदर क्या है वो आपकी ये आंख देख नहीं पाती है। तो दूसरे की आंख इसको देख पाएगी, अगर आप ऑपरेशन कर ले, आपको आपका एक्सरे कर ले, आप खुद ही आपके शरीर के अंदर क्या क्या है वो सब देख सकते हो। अपने को मशीन में रख दो और खुद ही कंप्यूटर में देख लो, तो आपके शरीर में क्या क्या है सभी कुछ दिखाई पड़ जाएगा। तो कोई भी चीज अगर दिखाई पड़ती है, चाहे आपकी आपको दिखाई पड़ेगी, चाहे दूसरे को, चाहे मशीन को, वो चीज आत्मा नहीं हो सकती है ना, वो चीज खुद नहीं हो सकती, क्योंकि खुद
खुद को कोई चीज देख नहीं सकता, जैसे आंख आंख नहीं हो सकती, आंख खुद को देख नहीं सकती, आंख और सब चीज को देखेगी मगर खुद को वो देख नहीं सकेगी। ऐसे ही हमारा आत्मा जो है और सब चीज को देख सकेगा, सब चीज को जान सकेगा, मगर वो खुद को जान नहीं सकेगा, खुद को देख नहीं सकेगा। इसीलिए जो भी देखता है, जो भी आप जानते हो समझते हो, वो सभी कुछ बाहर की ही है, वो आप नहीं हो और उसको जानना नहीं। तो यहाँ पर आत्मबोध का अर्थ ये नहीं है कि शरीर का बोध करें, मन का बोध करें, मन में चलते हुए विचारों को देखें, ये नहीं। मन में चलते हुए विचारों को आप देखेंगे तो वो बाहर का हो गया, फिर आप ऐसे ही देखते हैं जैसे बाहर किसी चीज को देखते हैं। तो आप मन में चलते हुए विचारों को भी देख सकते हैं तो आप विचार फिर कैसे हो सकते हैं? आप तो विचारों को देखने वाला हो गए। अगर आंख किसी वस्तु को देखती है तो वो वस्तु आंख कैसे हो सकती है? आंख तो उस वस्तु से अलग ही होगी ना। आप अपने मन में चलते हुए विचारों को देखते हो तो आप कैसे विचार हो सकते हो? आप तो उन विचारों को देखने वाले हो गए। इसीलिए मन में चलते हुए विचारों को देखना भी अपने को देखना नहीं, अपने को जानना नहीं। और इस शरीर के अंदर जो भी वृत्ति है, भाव है, जो भी चलता है, हमको पीड़ा का अनुभव होगा, इमोशन का, सेंसेशन का जो भी अनुभव होगा हमको, ये सब अनुभव भी ऐसे ही दृश्य है जैसे बाहर और दृश्य होते हैं। तो आपका जो शरीर है उसको जानना, उसके भीतर प्रवेश करना, उसमें चलते हुए विचारों को देखना, ये आत्मबोध नहीं है। मगर हमको ये भ्रांति हो जाती है, हमको लगता है आत्मा यानी ये शरीर, और इस शरीर का भी भीतर का हिस्सा, उसको हम आत्मा कहते हैं। और इस शरीर में भी सभी अंगों को हम आत्मा नहीं कहेंगे, उस अंगों को आत्मा ही कहेंगे जो अच्छा है। जैसे हम अपने आंख को अपना कहेंगे, अपने फेस को कहेंगे कि ये मैं हूं, है ना। लोग अपने फेस को मैं कहते हैं और शरीर के हिस्से को मैं भी नहीं कहते। जैसे नीचे के शरीर को तो वो दिखाएंगे भी नहीं, छिपाएंगे, है ना, और वो मैं भी नहीं कहेंगे उसको, ये मैं हूं। किसको कहते हैं? अपने फेस को कहते हैं मैं हूं, है ना। अपने निचले हिस्से के जो भी अंग है, प्रजनन के अंग है, तो इन अंगों को कोई भी नहीं कहेगा कि ये मैं हूं। हालांकि वो अंग भी ऐसे ही अंग है जैसे फेस एक अंग है। आप शरीर हो, फिर आप सभी कुछ शरीर हो, फिर शरीर के भीतर जो कुछ भी है, आंद्रा, मांस, हड्डियां, मलमूत्र, वो सब आप हो। तो फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये मलमूत्र मैं हूं, है ना। अगर आप शरीर को मैं हूं कहोगे तो मलमूत्र को भी मैं हूं कहना होगा आपको। मगर हम इस तरह कहेंगे नहीं, इस इंच को मैं हूं नहीं कहेंगे, अपना फेस को ही हम कहेंगे मैं। तो ये भ्रम के कारण पैदा हो गया, क्योंकि फेस दिखने में अच्छा दिखाई पड़ता है और दूसरे को फेस ही अच्छा दिखाई पड़ता, और जो अच्छा है उसी को हम कहना चाहते हैं कि वो मैं हूं, जो बुरा है उसको हम कहना नहीं चाहते कि मैं हूं। तो इस तरह मैं हूं का आंसर कैसे आ सकता है? झूठ से। अगर आप जो हो वो हो, चाहे मलमूत्र हो तो मलमूत्र आप हो, अगर हो तो हो, है नहीं हो तो फिर आप फेस भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर का किसी हिस्सा आप हो, किसी हिस्सा आप नहीं हो। मन में चलते हुए अच्छे अच्छे विचार आप हो, बुरे बुरे विचार आप नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जानने के लिए थोड़ा हिम्मत भी चाहिए, सत्य को जानने के लिए एक स्वार्थ होना आवश्यक है, स्वयं का अर्थ जानने के लिए एक हिम्मत। वो हिम्मत ये होगी कि मैं जो भी दृश्य है बाहर का उसको छोड़ के उसको जानूंगा जो मैं हूं, और ऐसा करने से मैं स्वार्थी हो जाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दूसरे लोग मुझे स्वार्थी कहता है इस तरह अपने को जानने से, तो भी ठीक है, वो मुझे स्वार्थी कहे तो कोई बात नहीं, मैं स्वार्थी हूं। इस तरह अपने को स्वार्थी भी बनाना है और इस बात को जानने का हिम्मत भी रखना है, है ना। मैं कौन हूं वहां तक पहुंचने का हिम्मत भी रखना है और इसको इंक्वायरी भी करनी है। तो आपका अपना क्या है, आप खुद कौन हो, अभी देखना है आपको। और ये बात अभी घटित हो सकती है, ये भविष्य में घटने वाली बात नहीं है। आप ही अभी ही आप इसको देखो, जो कुछ भी दृश्य है
वो आप नहीं हो तो उसको छोड़ देना है, उसको जानना नहीं, उसका बोध नहीं है। तो आंख से जो दिखाई पड़ता है बाहर का जो संसार, वो सब आप नहीं हो, इसको छोड़ देना। फिर ये शरीर जो दिखाई पड़ता है आपकी आंख से ही, बाहर की त्वचा, ये आप नहीं हो, फिर इसको भी छोड़ देना, इसका भी बोध नहीं करना। फिर आंख बंद करके भी शरीर के भीतर से जो कुछ भी होगा, इमोशन होगा, विचार उठेंगे, सेंसेशंस होंगे, ये सब ये चीजें भी आप नहीं हो, है ना। ये सभी चीजें दृश्य के जगत में आती है। तो फिर अब क्या बचा, उसका बोध करना है। अगर वहां कुछ भी नहीं बचा तो भी उसको जानना है, क्योंकि यहां पर कुछ चीज, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही जाननी है, अपने से उसको ठीक करके जानना नहीं है। आत्मा जैसी है आपकी, आप खुद जैसे हो, उसको वैसा ही जानना है। अगर वो ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ना कुछ को जानना है, कुछ निर्मित करके जानना नहीं। हम बहुत सारे लोग निर्मित करके जानते हैं ना, कई सारे लोग ये जो ध्यान करेंगे, भीतर भीतर भगवान का एक रूप क्रिएट करेंगे अंदर, और उस रूप का दर्शन करेंगे, है? तो इस तरह किसी रूप का निर्माण करके, कल्पना करके किसी चीज को जानना नहीं है। आप जैसे हो कि नहीं हो, नहीं हो तो भी उसको जानना है। इसका अर्थ ये नहीं कहा कि आप हो, आप नहीं भी हो सकते, इस तरह का हूं आपका नहीं भी हो सकता है। ये ऐसी बात है जैसे प्याज का पत्र होता है ना, अगर कोई आदमी प्याज के अंदर क्या है इसको जानने के लिए प्याज के पत्रों को निकालने लग जाए, तो पहला पत्र निकालेगा, फिर भीतर दूसरा पत्र आएगा, फिर उसको भी निकालेगा, तीसरा आएगा, और अंत में क्या बचता है प्याज के भीतर, जब वो निकालते जाएगा तो पाएगा वहां कुछ भी नहीं बचता, शून्य, ना कुछ। तो प्याज केवल पत्रों का जोड़ है और पत्रों के भीतर कुछ भी नहीं है। तो क्या हमारा स्वभाव ऐसा ही है, क्या मैं ऐसा ही हूं, क्या मेरा खुद, मेरा सेल्फ ऐसा ही है जो प्याज के पत्रों का जैसा है, जो बाहर से देखे तो पत्र है, शरीर एक, संसार एक पत्र हो गया, इसको निकाल ले फिर एक शरीर पत्र हो गया, इसको हटा दे फिर विचार एक पत्र हो गया, इसको भी निकाल दे फिर भाव एक पत्र हो गया, और उसको भी निकाल दे तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। तो वो जो शून्य बचेगा वही आप हो, तो आत्मबोध वही है, है ना। तो आत्मबोध में शून्य होगा, क्योंकि आप किसका बोध करेंगे, अगर आप किसी चीज का बोध करेंगे तो वो चीज फिर आप नहीं होंगे, उस चीज का बोध करने वाला हो जाएंगे ना। जैसे आपकी आंख क्या है इसको जानना है, तो जो चीज भी आंख देखेगी वो सभी कुछ आंख नहीं होगी, तो आंख को ही जानना है आप, और कुछ को नहीं जानना है, तो आप आंख बंद करना होगा और आपको वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर कुछ दिखाई पड़ेगा तो फिर वो आंख नहीं होगी, दिखाई पड़ेगा तो वो दृश्य हो जाएगी आंख के लिए, आंख उससे अलग ही हो जाएगी। तो ऐसे भीतर से आप कुछ भी जानते हो, कुछ भी देखते हो, कुछ भी आप समझते हो, कुछ भी आपको दर्शन होता है किसी का भी, तो वो कुछ भी होता है तो वो आप नहीं हो। तो कुछ भी नहीं होता है जहां, तो वहां आप हो, है ना। जहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है वहां आंख होती है। तो आंख को ही जानने के लिए आपको आंख से सभी दृश्य को हटाना होगा और आंख को ही खड़ा करना। मगर हम आंख को देखने के लिए, हमारे पास कोई दूसरी आंख तो नहीं है, इसलिए हम अपनी आंख को देख नहीं पाते। मगर स्वयं को जानने के लिए हमारे पास वो क्षमता होती है कि हम उसी बोध से उसको जान सकते हैं। जो हम है, जो हमारा स्वभाव है, वो बोधमय है ना। जैसे हमारी आंख बोधमय नहीं है, आंख तो झलका दी है चीजों को, मगर आंख के पास वो क्षमता नहीं कि वो खुद को भी देख लेती है, खुद को भी समझ लेती है, वो क्षमता आंख के पास नहीं। मगर जो हमारा स्वभाव है उसके पास वो क्षमता है कि उसके सामने से आप सभी दृश्यों को हटा देंगे, वो अकेली बचेगी तो भी वो अपने को जानती रहेगी। इसलिए उसको चैतन्य कहा ना, अवेयरनेस कहा।
क्योंकि वो खुद को जानता है, दूसरों को नहीं जानने के कारण वो स्वयं को जानेगा। तो इस क्षण में आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आप कौन हो गए। आपका कोई आकार नहीं बचेगा वहां, कोई दृश्य भी नहीं बचेगा, कोई दृश्य नहीं बचेगा, कोई वस्तु नहीं बचेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी नहीं जैसा, शून्य जैसा। मगर वो शून्य कैसा होगा, अवेयरनेस होगा, उस शून्य को पता होगा कि वो शून्य है। तो आपका आत्मबोध में हूं का अनुभव होगा, ये मैं हूं इसका बोध नहीं, केवल हूं का अनुभव होगा। और ये अनुभव अभी हो सकता है आपको, अगर आप सभी दृश्यों को छोड़ दें, केवल दृष्टा जो है उसमें अड़िक रहें, शून्य हो जाएं, तो उस शून्य में आपको अपना बोध हो जाएगा कि आप कौन हो, वो बात वहां खुल जाएगी, है ना। आप जो हो वो बात क्लियर हो जाएगी, वहां खुल जाएगी। आप अपने सामने अपने को देख सकते हो, अपने सामने अपने को अनुभव कर सकते हो, और ये जो अनुभव होगा वही आत्मबोध हो।